please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सीए की क्या भूमिका होती है अगर एक आदमी घर खरीदने जा रहा है तो, और एक बिल्डर की तरफ से? नमस्कार। सीए की जो भूमिका है बिल्डर, बायर और सेलर के बीच में, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि जब भी बायर और सेलर एक प्रॉपर्टी की डील में एग्रीमेंट करते हैं तो जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके इफ़ वो रेजिडेंट है, दोनों बायर एंड सेलर रेजिडेंट हैं तो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर सेलर का 1% ऑफ TDS उसका डिडक्ट करे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और उसके बाद एक फॉर्म होता है फॉर्म 26QB, तो उसके अंदर बायर सेलर की दोनों की डिटेल्स जाती हैं, उनके पैन कार्ड की डिटेल्स, आधार कार्ड, और दीज आर द बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा जो होता है कि उनके जो TDS काटते हैं, जिस अमाउंट पे काटना है, जिस अमाउंट पे उनकी डील हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी 1 करोड़ की अगर डील हुई है तो 1 करोड़ पर वो 1% के हिसाब से TDS काटेगा, और बायर जो है अपने सेलर को वो TDS का चलान प्लस जो फॉर्म 26QB उसने फाइल किया है वो उसको देगा। और ये एप्लीकेबल जब है जब रेजिडेंट की प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है। इट्स नॉट इन द केस कि 50 लाख से अगर नीचे है तो वो उस पर 1% TDS नहीं कटेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा NRIO के बारे में। NRI जब इंडिया में प्रॉपर्टी लेने आते हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत आती है टैक्स और TDS के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, NRI के केस में क्या होता है कि सेक्शन 110, 197 और 195, बेसिकली होता क्या है कि सरकार ने एक रूल निकाला है कि अगर NRI की कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि NRI अगर सेल कर रहा है तो सरकार के बिल्कुल उसके हित में नहीं है कि वो उस पर टैक्स कितना पे कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना बन रहा है। तो सरकार ने बोला है कि आपका जो भी टैक्स बन रहा है बट आपको जो TDS डिडक्ट करना है वो फ्लैट रेट पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एज़ पर प्रिस्क्राइब रेट जो है, हाई रेट बनता है तो 30% बनता है आपका, और अगर लो रेट है तो 20% प्लस एजुकेशन सेस। बट इसके अंदर एक प्रावधान दिया गया है जिसके तहत वो क्या कर सकता है कि सेक्शन 197 में सेलर अपनी एप्लीकेशन इंटरनेशनल वार्ड में, अपने पर्टिकुलर एरिया के इंटरनेशनल वार्ड में जाकर एक एप्लीकेशन लगा सकता है अंडर सेक्शन 197। उसके अंदर सेलर को क्या करना होगा कि अपनी सारी डिटेल, अपने सारे एग्रीमेंट्स, और जो उसने बायर जो भी रिसिप्ट्स हैं या जो भी उसकी कोई भी चेक्स की कॉपी है या बिल्डर एग्रीमेंट है, पोजीशन सर्टिफिकेट है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें देगा। और वहाँ पर फिर इंटरनेशनल वार्ड में जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर DCIT, वो वहाँ पर उसको एज़ पर कैलकुलेशन उसको चेक करेंगे कि आपका कितना कैपिटल गेन बन रहा है, और अकॉर्डिंगली अगर वो ज़्यादा बन रहा है, 1% बन रहा है, 2% बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इन केस कई लोगों के क्या होता है कि लॉस होता है या फिर कैपिटल गेन नहीं बनता, तो वो उस केस में उनको नो टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे बायर के नाम पर, और वो सर्टिफिकेट जो है बायर के नाम पर जाएगा, फिर बायर अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। अब जो भी उसके अंदर टैक्स डिडक्ट का एक रेट निकला है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको जमा कराएगा और अपना TDS की रिटर्न फाइल करेगा, ताकि वो जो TDS कटा है सेलर के केस में वो रिफ्लेक्ट कर जाए उनके अकाउंट में।